मैं हूं आपके साथ ऋतुज्ञान वाने। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की शुरुआत में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पिछले दो साल में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए बधाई दी। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल की समीक्षा की। चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की रणनीति बनाई गई। नई योजनाओं को लेकर चर्चा और योजनाओं को क्रियान्वयन में तेजी लाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इसी के अलावा सभी विभागों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। धान खरीदी की समीक्षा के साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट की कीमत बढ़ाकर 8 से 10 रुपए की गई है। जनवरी से आईटीआई की कक्षाएं भी शुरू होंगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, क्या कुछ खास निकल करके सामने आया? देखिए, अनुपूरक को मंजूरी दी गई है, एक और अनुपूरक पेश किया जाएगा। हालांकि इसका फिगर नहीं बताया गया है, लेकिन इसको लेकर के चर्चा हुई। चूंकि विधानसभा का सत्र इसी महीने के आखिरी में शुरू होना है, लिहाजा उस पर भी चर्चा हुई। जो मुख्य सचिव हैं, नए पहली बार वो कैबिनेट के सामने पेश हुए अमिताभ जैन, उनका मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, कैबिनेट के बाकी सदस्यों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों को दो साल कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी गई। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि कर्ज की जो सीमा 2% है उसे बढ़ाकर 5% करने की बात कही गई इस कैबिनेट में। और जो मंत्रियों के बंगले हैं, चूंकि मंत्रियों के नए बंगले नया रायपुर में बन रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने बंगले हैं, जो खासतौर से शंकर नगर का इलाका है, वहां उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को लेकर के सहमति बनी है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें कैबिनेट की बैठक में चर्चा में आई। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये तमाम बातें, चूंकि मौका दो साल पूरे होने का था, लिहाजा इन सब विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन दो साल पूरे होने के मौके पर सबको मिलना था, बातचीत करनी थी, और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों को दावत दी है, खाने पर बुलाया है, और मुख्यमंत्री खुद पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो ब्रीफिंग है वो ब्रीफिंग नहीं हुई, लेकिन बातचीत हुई, और बातचीत में ये जानकारी निकल करके सामने आई है। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माँ कौशल्या के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। दो साल जो उनका कार्यकाल पूरा हुआ है उस के मौके पर यह आयोजन किया गया। इसके बाद शाम को रंगोली का एक कार्यक्रम है, जिसमें बहुत बड़ी रंगोली बनाई जा रही है, वहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। चुनाव के समय जो वादे किए गए थे पूरा करने की रणनीतियां भी बनाई गई हैं, क्या क्या रणनीतियां बनाई गई हैं, किस तरह से आगे के तीन साल निकलेंगे, किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाएगा, किस तरह से लोगों को खुश किया जाएगा, इस बारे में जानकारी? कांग्रेस का कहना है कि 36 जो बड़े वादे थे उसमें से 24 पूरे कर दिए, लेकिन जो छोटे छोटे बिंदु थे वो 280 थे। उनमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे और बचे हुए कार्यकाल में पूरा करना है, उसको कैसे करना है, इसको लेकर के भी लगातार कांग्रेस में चर्चाएं चलती रहती हैं, सरकार में चर्चा चलती रहती है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज है कि बेरोजगारी के मसले पर सरकार को काम करना है, और वो काम करता हुआ सरकार जो है उस फ्रंट पर नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने अब ये तय किया है कि बेरोजगारों को फॉरेस्ट में काम दिया जाए, जो बेरोजगार हैं उनको दूसरी जगह, जो राजमिस्त्री हैं उनको भी काम दिया जाए, तो इस तरीके से अलग अलग स्कीम। इसके अलावा गौठान को किस तरह से कुटीर उद्योग के केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए, इसको लेकर के भी सरकार की योजना है। और इसी दिशा में सरकार ने गौठान के आसपास ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया हुआ, 1 एकड़ की जमीन आरक्षित की हुई है, और वहां से भी छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, वो अब काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा सभी विभागों में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई, और इसके अलावा कई मुद्दों पर बात की गई। अब किसान जो हम देख रहे हैं, आंदोलन जो चल रहा है, आंदोलन को हम देख रहे हैं, किस तरह से उसे सपोर्ट किया जाएगा किसानों को? किसान क्योंकि समर्थन नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं लगातार, तो उस समय में कैसे सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि जो किसान है वो लगातार आक्रोश में है, तो उन्हें कैसे ठंडा किया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा? और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो सरकार किस तरह से किसानों के साथ खड़ी रहेगी? देखिए, इस पर किसान के साथ
कांग्रेस की पार्टी खड़ी है, पूरी सरकारें खड़ी हैं। जो नाराजगी है वो केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार के 3 कानूनों से है जिसको लेकर के किसानों ने एतराज जताया है। तो इसको लेकर के राज्य में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड के खिलाफ हो रहे हैं और राज्य सरकार का जो स्टैंड है उस पर बड़ा क्लियर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर के जो किसान हैं वो कितनी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहां जो आंदोलन है वो दिन ब दिन आक्रामक होता जा रहा है। एक किसान ने सुसाइड कर लिया, चिट्ठी लिख करके सुसाइड किया है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और इसके बाद जो किसान संगठन है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रणनीतियां बना रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार को घेरा जाएगा। कल कॉन्क्लेव था, 2 साल पूरे होने पे हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की थी और इसका मसला भी उठाया था। उन्होंने अपना स्टैंड जो पहले का है वही रखा और कहा कि किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो किसानों का आंदोलन है उसमें किसान ही रहने चाहिए। कांग्रेस मोरल रूप से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है लेकिन वो सामने नहीं आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसानों का ये आंदोलन पिछले 6 साल में ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार को मजबूर किया है इस आंदोलन ने कि उनके प्रतिनिधि आकर के बात करें, वरना आज तक इससे पहले कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें सरकार ने कोई बातचीत की हो। तो ये अपने आप में बताता है कि किसानों का जो आंदोलन है वो किस तरह से मोदी सरकार के गले की फांस है। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, लेकिन जाहिर तौर पर राज्य सरकारों का इसको सपोर्ट है, खासतौर से गैर भाजपाई सरकारों का, और वो पुरजोर एकजुट होकर के इस आंदोलन को अपना मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। एक और सवाल रुपेश, यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की भी कीमत बढ़ाई गई है, 8 से 10 रुपए कर दी गई है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उत्तर इलाके सरगुजा गए हुए थे जहाँ पे उन्होंने एक एमओयू किया, लेकिन इस एमओयू को एक कंपनी के साथ सरकार ने नहीं किया बल्कि एक स्वयं सहायता समूह की महिला ने किया है। वो वर्मी कंपोस्ट जिसको सरकार 10 रुपए दे रही थी, अभी जब हम बैठे हुए थे मुख्यमंत्री के साथ तो वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, फोर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट को 16 रुपए किलो खरीदेगी वो कंपनी। तो ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब वर्मी कंपोस्ट के जरिए, जैसा कि केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि अब डायरेक्ट रासायनिक खाद जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी में जाएगी, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी सबको मिलती है लेकिन वो कब आती है कहाँ जाती है कोई नहीं जानता। जब सब्सिडी डायरेक्ट नहीं मिलती थी तब हमको 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए में मिलता है, लेकिन हम उसके यूज टू हो चुके हैं 1000 रुपए पे करने के, तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी किसान आने वाले वक्त में कम कर सकते हैं। और उससे पहले अगर ये सरकार वो मैकेनिज्म डेवलप कर रही है कि वर्मी कंपोस्ट वो खपाएगी, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देगी, तो जाहिर तौर पे ये मानिए कि ये अपने आप में ऑर्गेनिक स्टेट बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यूबा इसी के रास्ते ऑर्गेनिक स्टेट बना हुआ है, जबकि वो रासायनिक खादों पर कितना डिपेंडेंट था, उसके गन्ने की फसल हुआ करती थी, पूरे दुनिया में जाते थे, लेकिन उसी क्यूबा ने ऑर्गेनिक खेती की। ऑर्गेनिक खेती के बाद अमेरिका के सैंक्शंस के बाद अपने आप को खड़ा किया। ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ भी एक पैलर सिस्टम डेवलप कर रहा है और ये माना जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं। मुख्यमंत्री बता रहे थे कि एक फायदा उसका ये है कि गोबर की खाद का छिड़काव नहीं हो सकता था, यानी कि जैसे आपने रोपाई कर ली और उसके बाद छिड़कना है, गोबर की खाद आपको एक ही बार डालनी होती थी, लेकिन वर्मी कंपोस्ट के साथ ऐसा नहीं है, इसकी कभी भी छिड़काव आप कर सकते हैं। रुपेश, तो बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आज रुपेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, इसके लिए चंद्रखुरी में